ये क्या कर रहा है तू? क्या नहा ही तो रहा हूँ। ऐसे नहाते हैं, ऐसे नहाते हैं। बाहर निकल टब से, टब से बाहर निकल, तेरे बाप का टब नहीं है। दोस्तों तैयार हो जाइए जानवरों के हंसा देने वाले कारनामे देखने के लिए। हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम आपको फनी और अजीब कारनामे दिखाने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि यार ये किस टाइप का जानवर है जो ऐसी हरकतें करता है। तो ये वीडियो काफी मजेदार साबित होने वाली है, इसे बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों जानवर बड़े ही भोले होते हैं, इनका भोलापन हमें किस तरह से देखने को मिलता है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, जिसमें एक रकून पानी को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब इस बिचारे को कौन समझाए कि सामने रखी हुई हर चीज खाने लायक नहीं होती, कुछ पीने के लिए भी होता है। खैर जब इसे प्यास लगेगी तब ये खुद ही समझ जाएगा क्या खाना है और क्या पीना है। क्या खाना है और क्या पीना है, बवाल चीज है वे, साला सिस्टम मिल जाता है। खूब ठंडा है। यहाँ पर ये डक खाली फोकट इस बिल्ली को परेशान करने में लगी हुई है। वही बिल्ली शांत बैठे सब सह रही थी, मगर जब इस बिल्ली को गुस्सा आया तब इसने डक को 80 के स्पीड से चपेट दे डाली, जिसके बाद ये डक शायद ही अब इस बिल्ली से पंगे लेगा। I want problems always. अरे सोने दो भाई, सोने दो, मेहरबानी करो मेरे ऊपर। चुप हो जा सातवीं फेल। अभी यहाँ पर एक बिल्ली बड़े आराम से खड़ी हुई है, जिसके बाजू में एक चूहा भी बैठा हुआ है, जिसे बिल्ली ने सिर्फ एक पपी दे दी और वहाँ से वो चली गई। जिसके बाद चूहे की हरकत को तो देखिए आप, जो शायद यही कहने की कोशिश कर रहा है कि यार इस बिल्ली ने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, मेरे साथ तो अन्याय हो गया। मालिक माफ कर दो, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। जान छूटी। ए ये क्या कह रहे हो? मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तो राम निकला रे, देव मारुस निकला। वैसे तो बिल्ली ज्यादातर जानवरों से पंगा नहीं लेती, मगर जब इनको उंगली करने का मन होता है तब ये अपने इस कुत्ता भाई को भी नहीं छोड़ती। मगर यहाँ हम कुत्ता भाई की नहीं बल्कि किसी और की बात कर रहे हैं, जिसमें इस बिल्ली ने खाली फोकट इस मुर्गे को टपली दे डाली, जिसके बाद ये मुर्गा बिल्ली पर चार्ज हो गया और इसने एक टपली का बदला लेने के लिए बिल्ली को यहाँ से वहाँ भगा डाला। जिसके बाद बिचारी बिल्ली भी सोच रही होगी कि यार आज तो मैंने गलत आदमी से पंगा ले लिया। क्या रे भीख मंगया, क्या देख रहा है? दादागिरी करेगा तू मेरे साथ, दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। समझ गया भाई। हम इंसानों को रहने के लिए जगह कम पड़ गई, जिस वजह से हमें जंगलों पर भी हमें अपना घर बनाना पड़ा और जानवरों के बारे में हमने सोचा तक नहीं, जिस वजह से शायद जानवरों का दिमाग घूम गया और उन्होंने इस घर पर हमला बोल दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस घर पर बंदरों की पूरी गैंग ने कब्जा कर लिया और खाने की मांग करने लगे। अब घर का मालिक इन बंदरों को यहाँ से कैसे भगाएगा ये तो उसे ही पता। तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, ये आखिरी वार्निंग है, भागने की कोशिश बेकार है। अच्छा हमको सिखा दिया है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अरे तू जा रही। दोस्तों आपने शायद कई खतरनाक या फिर कहो प्यार से जानवरों को एक साथ लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसा नजारा शायद ही आपने कहीं देखा होगा जो अभी आपके सामने है। यहाँ पर दो हिरन एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई देखकर ये कोई भी नहीं कहेगा कि ये असल में लड़ रहे हैं, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है मानो कि ये दोनों डांडिया खेल रहे हो। क्या है तेरे को? तेरे को क्या है? यहाँ क्यों आया? चल क्या है तेरे को क्या? अबे हाथ लगा के दिखा ना। अबे तू हाथ लगा के देखना। तू मेरी बात सुनेगा कि नहीं? दिखाऊं अपने हाथ से घर में। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जानवर कब क्या करते ये उन्हें खुद ही नहीं पता होता। दोस्तों क्या आपने किसी जानवर को दूसरों की मदद करते हुए देखा है? शायद आपने ये नजारा देखा होगा, लेकिन कोई पक्षी किसी की मदद कर रहा है ये आपने नहीं देखा होगा, इसलिए वो नजारा आप यहाँ पे देखें। रोड के बीचों बीच एक हेजहॉग काफी देर से बैठा हुआ था और गाड़ियाँ भी आ जा रही थी, जिस कारण इस बर्ड ने सोचा कि इसकी मदद की जाए, जिसके चलते वो बर्ड अपने चोंच से उसे वहाँ से भगाने लगा और उसे ये रास्ते के किनारे लेकर चला गया। जो कह रही होगी अबे साले ऐसा क्या कांड हो गया कि तू सीधे मरने पर चला गया? ताड़ी वाली औरत हो, मरने निकली है क्या? छोड़ो। क्यों मरने के लिए? लेकिन हमारे सामने नहीं मरना, हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं जाने गए। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा भाई हूँ, आ जाके मरो, जाओ जाओ जाओ।
भागो भागो ऐसे भागो। पता नहीं सुबह सुबह जब भी चंपक सेठ का चेहरा दिखता है सारा दिन खराब हो जाता है। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।